गत साई जालंधर कपूरथला रोड पर पड़ते स्पोर्टिंग सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। वहीं आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस आगजनी में लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया है। इस मौके पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी वरिंदर भगत के अनुसार इस आग पर काबू पाने के लिए लगभग आधा दर्जन के करीब दमकल विभाग की गाड़ियां लग गईं और फैक्ट्री की तरफ से अपने स्तर पर पुख्ता प्रबंध किए गए थे, जिस कारण आग पर जल्द काबू पाने में सफलता मिली। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। फैक्ट्री के जो मुलाजम से अग बुझा रहे थे, इन्होंने अपना बंदोबस्त वाधू थी, फिर भी इन्होंने को नहीं कवर कर सके। अं आके नाल आके किया सड़िया एक वाटर बॉजर है व्डा 12,000 लीटर का, एक छोटी गड्डी आई है मिस्ट वाटर, वो अपने 5,000 लीटर की। आप आके सारे हालात में काबू करते, काफ़ी जदोजहद बाद आप हालात काबू किए।